Viewers, today I am in HEC and my vlog is on one of famous educationist, fundraiser, consultant, Dr. Professor Mahmoodul Hasan Butt. And here is Dr. Professor Mahmoodul Hasan Butt. Sir, how are you? I'm fine. Sir, aap hamare role model hain, humse senior hain, meherban hain. आपने सर एक दफा यूनिवर्सिटी बलोचिस्तान आए जी, मैं डीन था, आपने एक लेक्चर दिया, आप वीसी इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के थे, वीसी थे, और आपने एक बात की थी, आपने कहा कुंडी यू हैव अ फ्यूचर। अब देखें, वो कभी कहते हैं वॉइस ऑफ अ मैन इज वॉइस ऑफ अल्लाह, वहां से फिर मैं वीसी बना, तो सर काइंड ऑफ यू, आई एम ऑब्लाइज्ड। यू आर नेशन सर, अब मैं कहूंगा यू आर सर्विंग द उम्मा। मैंने जब आपसे मुलाकात की वहाँ पे, तो इट वाज अ प्लेजर, दैट्स व्हाई आई सेड हियर इज अ जेम। बस सर, मेरी अल्लाह से ये दुआ होती है, अल्लाह पाक मुझे मेडल नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपकी खुशनूदी चाहिए, बाकी ये दुनिया का कोई थोड़ी जिंदगी। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज आपका, मैंने शायद आपके साथ वक्त भी गुजारा, मैं जब यहाँ ईडी था, आप यहाँ काफी हमें कंसल्टेंसी सर्विसेज आपने दी, और आप वाइस चांसलर रहे सर, आपने अमेरिका में पढ़ाया, बाकी तो मेरे व्यूअर्स जो हैं सर, इनके को जरा अपने बारे में बताएं, जैसे आपने कहाँ से मैट्रिक किया, कैसे पढ़े सर, जो अजर है, एवरी मैन हैज हिज ओन हर स्टोरी। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग जी। लाहौर सेंट्रल मॉडल स्कूल से मैट्रिक किया, मेरे वालिद वहाँ के हेडमास्टर थे, तो उनकी सरपरस्ती में मुझे एक रोल मॉडल भी मिला। वहाँ से ट्रेडिशन है कि सेंट मॉडल स्कूल के ग्रेजुएट्स जो हैं मैट्रिक वाले, वो या तो फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में जाते थे या गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज बेसिकली उनकी परवरिश करता था, उनको नरिश करता था, उनको नर्चर करता था, और उससे फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशरी, हमारे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स ले लीजिए, वो सारे से सारे तकरीबन मैं कहूँगा कि अबाउट 50% ऑफ द पीपल हु जॉइंड दीज प्रोफेशंस केम फ्रॉम सेंट्रल मॉडल स्कूल ऑन टू गवर्नमेंट कॉलेज ऑन टू प्रोफेशनल स्कूल। सेंट्रल मॉडल स्कूल जी सर, सेंट्रल मॉडल स्कूल कहाँ है, एक दिन आई गो एंड सी इट। तो सेंट्रल मॉडल स्कूल इज इन लाहौर, लोअर मॉल, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप गए हैं तो सेंट्रल मॉडल स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज से आप दाता दरबार की तरफ। जी जी जी, वो पुरानी बिल्डिंग रेड रेडिश ब्रिक्स की, रेड ब्रिक्स की, और सेंट्रल मॉडल स्कूल। और मैट्रिक कब किया सर आपने? मैट्रिक जनाब बहुत अरसा हुआ किया। नहीं, मतलब मैंने 72 में किया, आप तो हमसे सीनियर हैं सर। मैंने 53 में किया। 53 सर मैट्रिक, बड़ी बड़ी बात। फिर वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से मैंने इवेंचुअली मास्टर्स इन इंग्लिश किया, और उस साल सारे एमए इंग्लिश के जो गवर्नमेंट कॉलेज से या अपना पंजाब यूनिवर्सिटी से आए, उसमें 5 लोग थे जिनकी सेकंड डिवीज़न थी और किसी की फर्स्ट डिवीज़न नहीं आई, उसकी कुछ वजूहत थी, लेकिन मैं उधर नहीं जाता। उन 5 में से जो गवर्नमेंट कॉलेज से थे, एक तो फाइनली प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर बना, एक जो थे उन्होंने ऑडिट एंड अकाउंट्स वाली सर्विस वो ज्वाइन की, और इसके बाद दो एक पुलिस सर्विस में चले गए, और हम 2 ऐसे थे जिन्होंने फैसला किया कि हमने सिविल सर्विस का इम्तहान नहीं देना, हमने पीएचडी करनी है। गुड। मैं जब वालिद साहब के पास गया, वो चाहते थे मुझे कि मैं मेडिकल डॉक्टर बनूं। मैं 2-3 माह किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में रहा, मुझे एक ऐसा कैडेवर मिला डिसेक्शन के लिए जो अबाउट 15-16 ईयर ओल्ड ब्यूटिफुल यंग लेडी, बट द लोअर एक्सट्रीमिटीज वर बर्न्ड, एंड आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट हर एंड कुडन्ट पुट माई स्कैल्पल ऑन हर कैडेवर। माय गॉड। तो एक दिन फिर मैंने फैसला किया कि आई गो एंड टॉक टू माई डैड
कि आप तो चाहते हैं मैं डॉक्टर बन जाऊँ, अगर आप मजबूर करेंगे तो मैं बन जाऊँगा, लेकिन मेरा दिल इसमें नहीं है। तो मैं उनके दफ्तर चला गया, उनसे कहा जी कि डॉक्टर मेरे बस की बात नहीं, मैं कर लूंगा लेकिन मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो यू डिड एमए फिर इंग्लिश? जी एमए इंग्लिश। और पीएचडी के लिए दो हम साथी थे, एक मॉन्ट्रियल चला गया और मैं इंडियाना यूनिवर्सिटी चला गया। और शुरू मैंने किया पीएचडी इन इंग्लिश, लेकिन मेरा पहला प्रोफेसर अमेरिकन जो था वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश था इंडियाना यूनिवर्सिटी में। तो मेरा पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो मुझे कहने लगा, यंग मैन आई वांट टू सी यू इन माय ऑफिस। मैंने सोचा मुझसे कोई गलती हो गई है, हालांकि मेरे पेपर सारे वो अच्छे मार्क करके देता था। तो मैं उनसे मिलने गया तो वो कहने लगे कि तू पीएचडी करना चाहता है इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पिछले साल जब मैं अभी शुरू कर रहा था 200 PhDs in English अमेरिका सारे में पैदा हुए, and there were only 2 jobs in good reputable universities। तो कहने लगे अगर कम्युनिटी कॉलेज में जाके पढ़ाना है तो फिर इंग्लिश कर लो, वरना मुझे कहा कि आप डबल मेजर कर लें इंग्लिश और एजुकेशन, क्योंकि अमेरिका में टीचर्स फॉर इंग्लिश की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो खैर मैंने उनका मशवरा ले लिया, तो ही मेड एन अपॉइंटमेंट फॉर मी टू सी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन कॉलेज ऑफ। तो यू डिड पीएचडी और फिर आपने सर रॉकफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया बहुत अरसे मुझे। मैंने सारी जिंदगी के 40 साल 3 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, टेन्यर्ड प्रोफेसर बना। रॉकफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने जो काम किया उसके नतीजे में स्टेट ऑफ इलिनॉय ने हमें $25 मिलियन का गिफ्ट दिया कि जी आप अपने जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टीचर्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये आप प्रोग्राम बनाइए। आप सर वैसे यू टॉट इन पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी एंड यू वर वाइस चांसलर, वेरी सक्सेसफुल वाइस चांसलर इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी। अगरचे इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी की मैं समझता हूँ फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रही है और ये की वजह है कि वहाँ ज़्यादा मसाइल नहीं होते। सर ये कैसा रहा आपका इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी का, एक ब्रीफ मेरे व्यूअर्स को। चलिए जी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जब मैं आया वहाँ पे तो इट वॉज ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशेंट इन इट्स फाइनेंसेस, क्योंकि उनका ओपन डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम जो था उसमें मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टीचिंग लर्निंग वॉज डन ऑनलाइन या थ्रू सेंडिंग ऑफ द बुक्स टू देम, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनाते थे स्टूडेंट्स को भेजते थे फिर उनसे असाइनमेंट्स करवाते थे। तो ये वो एक निसाबी सिस्टम था जिसके ज़रिए तालीम लोगों के दरवाज़े पर पहुँची। और ये दूसरी यूनिवर्सिटी थी क्रोनोलॉजिकली ऑफ इट्स नेचर, पहली इंग्लैंड में बनी, दूसरी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बनी। और दोनों ने पहली कौन सी थी सर? पहली थी यूके ओपन यूनिवर्सिटी। आई सी। वैसे मैं आमतौर पे जब वहाँ वीसी बन के आया तो मैंने सबसे कहा कि आप अपने आप को दूसरी यूनिवर्सिटी मत कहो, ना यूके ओपन यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी थी, पहली यूनिवर्सिटी दुनिया की जो थी वो यूनिवर्सिटी जो थी वो मस्जिद नबवी थी, जहाँ औरतें भी आ सकती थी, मर्द भी आ सकते थे, कुरैश भी आ सकते थे, बद्दू भी आ सकते थे, जो भी जहाँ की बैकग्राउंड है आओ, और अगर आपको इल्म चाहिए तो बेहतरीन टीचर तो दुनिया ने देखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ थे, और उनका एक रابطہ जो खुदा से था, जो वही के जरिए जो मिला उन्हें, उन्होंने सारी दुनिया को दिया रहमतुल्लिल आलमीन। आप सर अच्छे, आपके बारे में एजुकेशनिस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे रहे, दिस दैट, इक्वालिटी जो है वो बड़ी रेयर है कि यू आर वेरी गुड फंड रेजर, और रेयर है HEC ने भी इसलिए आपको जाने नहीं देती। सर इसके बारे में अगर मेरे व्यूअर्स को बताएं, अब जाहिर है
चलिए जी, फंड रेजिंग भी एक साइंस है। उस साइंस के बुनियादी असूल जो हैं कि कुछ लोग हैं देने वाले, इस काबिल को वो दें। अगर उनके सामने आप कोई कॉज दें और कॉज ऐसी हो जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, तो वो आपको अफोर्ड करने की चीज़ें, वो पैसे भी देंगे, वो आपके साथ एडवाइस भी देंगे। मैं पहला जो मेरा सबसे अच्छा तरीका आया इसमें फाउंडेशन, इसमें फंड रेजिंग में, मैंने ज़िंदगी में को 20 साल इंटरनेशनल का मेंबर रहा, फिर उसके बाद मेंबर से प्रेसिडेंट बना, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर उनका होता है 1 साल के लिए, वो बना। जब वो सारा कुछ हो गया तो उस कामयाबी के नतीजे में हमारा जो रिटायरिंग प्रेसिडेंट था, उसने कहा भी को बड़ी काम करते को बड़ा काम करते हैं, जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको छोड़ते हैं। लेकिन जी क्या करें, मैंने उनसे कहा जी कि हम यूनिवर्सल लिटरेसी का प्रोग्राम बनाते। वो मेडिकल डॉक्टर थे, उन्होंने कहा नहीं यार, बच्चों की जो 5 बीमारियां हैं इन्फेक्शस डिजीज़, उसमें एक पोलियो है और उसके अलावा 4 और हैं, तो अगर हम इनकी एक वैक्सीन बनवा लें जो बनने के पे तैयार थी, तो हम वो सारी दुनिया में देते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें फ़ंड रेज करने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा जी हम करते हैं, दिस अ गुड आइडिया, हेल्थ फर्स्ट देन एजुकेशन। तो उन्होंने कहा कि यू बिकम द नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर फंड रेजिंग फॉर पोलियो प्लस प्रोग्राम। मैंने फर्स्ट $1 million गिफ्ट जो किसी लिए रेज किया राइट, वो रोटरी इंटरनेशनल का था, उनके लिए भी ये पहला था। मेरा काम दरअसल ज़्यादातर तो यूनिवर्सिटी को था, ये रोटरी तो एक हॉबी थी, एक वॉलंटियर वर्क था, डूइंग थिंग्स फॉर द कम्युनिटी। तो खैर, तो यही चीज़ फिर मैंने रॉकफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस जो हमें स्टेट से ग्रांट मिली थी उसके लिए ये काम किया और उसमें नए प्रोग्राम्स बनाए। मेरा सर क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब कि हमारे पाकिस्तानी वाइस चांसलर, मैं 2 दफ़ा वीसी रहा हूँ, अब मैं जैसे भी हूँ ये तो और लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन हमारे वीसी अच्छे फंड रेजर नहीं है। हाउ दे कैन बी गुड फंड रेजर? दे हैव टू बी गुड फंड रेजर्स, क्योंकि उनके पास पैसे सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं आया करेंगे आगे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो हाल है हम सबको पता है। हाउ कैन दे बी, देखिए आपकी सबसे अच्छी चीज़ है ना जो, वो है कॉज, किस लिए फंड्स चाहिए और कौन देने वाले हैं, इनको आइडेंटिफाई करें, पहले अपने प्रोग्रामेटिक इनिशिएटिव तैयार करें, फिर जो देने वाला है उसके पास जाएं और उनसे वो कॉज जो है वो बताएं कि ये करने से ये फ़ायदा होगा, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी को बल्कि हमारी कम्युनिटी को। आगा खान यूनिवर्सिटी जो है उसको $200 million आगा खान प्रिंस ने दिए, और उसका 5 साल के बाद जब मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया तो उन्होंने जो उसे 15 साल के बाद जो रेवेन्यू निकाला वो 200 मिलियन से कितना ज़्यादा, वो बिलियंस में था। तो ये फंड रेजिंग इम्पोर्टेंट है सर, आपने कहा फंड रेजिंग। अच्छी सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी जो है ना, उनके प्रेसिडेंट या वाइस चांसलर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, आधा काम अपना उनका जो है सारे टेंडियर में वो है फंड रेजिंग। आप काफी अरसे से HEC में, एंड आई एम वेरी हैप्पी यू आर हियर। मैं भी यहाँ, HEC फाइनेंशियली जितना इसको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, और आई प्रे के जो नई गवर्नमेंट अभी आई है पावर में, इनको ज़्यादा फंड दे, फंड कम हुए हैं, तो ये वक्त सर इसके पे आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए जी, हम देखते हैं आसमान पे कि तारे तोड़ के लाएंगे, लेकिन तारे तोड़ने के लिए जो सीढ़ी चाहिए ना, वो HEC के लिए ऐसे पास नहीं है। HEC के फंड जो हैं पिछले 5 साल में नीचे गए हैं बजाय ऊपर जाने के, यूनिवर्सिटियों की तादाद बढ़ गई है, इसलिए ये और भी ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बजाय सेल्फ जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज करें। आपने भी अपनी वाइस चांसलरशिप में
एक अच्छे अमीर शख्स को एक कॉज दी और वो तैयार था करोड़ों रुपए देने के लिए और उसने दिया। और वाइस चांसलर का ये काम है कि अपनी कम्युनिटी के लीडर की शक्ल में वो जाए ऐसे लोगों को, उन्हें जाने और फिर उनसे कहे कि जी हम मिलकर ये करेंगे। उनको एक कॉज दीजिए जिससे उनका भी सर बुलंद हो और वो पैसा जो है अपना दे जाए। ये जो कशकोल लिए फिरते हैं इसको ख़त्म किया जाए। हमारे पास इतने एसेट्स हैं मिनरल्स में, नेचुरल रिसोर्सेज में, कि अगर उनको एक्सप्लॉयट करें तो हमें किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। But अगर exploit करें तो we have to do that and that is where higher education can play a very supportive and strong role. आखिर में सर भट्ट साहब, ये मेरे व्यूअर्स हैं, यंग जनरेशन एक्चुअली कौम को तो की जो नव डूबने से बचाएंगे वो यंग जनरेशन बचाएंगे ना, हमारी इनिंग तो ओवर है जी। और ये जो हमारी यूथ है तो आप माशाल्लाह सर इतने एजड हैं और एक्टिव लगे रहते हैं, ये इसके पीछे क्या राज है सर? लगे रहते हैं मतलब है, आपकी काफी एज है, आप हमसे 14-15 साल बड़े हैं, आई एम 69 और आप माशाल्लाह, लेकिन ये सर क्वालिटी है ना। अब मैं बताऊं, मैं अक्सर लोग कहते हैं जी आप रिटायर हो गए आराम करें, वो यार रिटायर सर्विस से हो हूं, अब मजबूरी थी 60 साल पे, लेकिन मैं अभी घर में क्या करूंगा बैठ के। तो ये सर कोई मेरे जनरेशन, देखिए अमेरिका जहाँ मैंने ज़िंदगी का एक लंबा अरसा गुजारा, वहाँ पे दो प्रोफेशन ऐसे हैं जिनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो खुद डिसाइड करते हैं कब रिटायर होना, और दूसरा टेन्यूर्ड फुल प्रोफेसर। राइट अच्छा, अब मैंने जो कुछ सीखा वहाँ से ना, वो यही था कि मेरा एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाना यूनिवर्सिटी 60 साल प्रेसिडेंट रहा और उसने कहा करता था कि आई एम मैरिड टू दिस यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी को कोई 60 साल में इतना आगे ले गया क्वालिटी वाइज, और उसका तरीक़ा सिर्फ ये था कि जो उसके जानने वाले एफ्लुएंट पीपल उनको बुलाता था, उनसे मिलता था, उनको कहता था अच्छा जी मैं अब ये नया स्कूल बनाने लगा हूँ, ये नई लैब बनाने लगा हूँ, आप इसके अपना नाम रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से वो पैसे लेता था। तो यूनिवर्सिटी जो थी, मतलब है आपका मतलब ये है कि वन शुड बी एक्टिव एज लॉन्ग एज ही कैन ऑल द टाइम। देखिए जिंदगी में अल्लाह ताला ने हमें गिने चुने वक्त और सेकेंड्स दिए हैं, उन हर सेकंड का इस्तेमाल करना जो है ना वो ज़रूरी है। और कोई रिटायरमेंट एज जो है ना हमारे यहाँ है, हमने बनाई हुई है 45-55-60 साल में, हम कहते हैं जाओ घर चले जाओ, भाई दैट इज़ द पीक पीरियड, उसको इस्तेमाल कीजिए, उस टैलेंट को इस्तेमाल कीजिए, आप बिकम या बट साहब ये आपकी बात बहुत ग्रेट मेरे दिल को लगी, हालांकि पख्तूनख्वा में वीसी का टेन्योर 4 साल था, उन्होंने 3 कर दिया, कहते हैं हम मेरिट कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। और मैंने एक दफा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख पढ़ रहा था, उसका एक वीसी जो था वो 40-40 साल 25 साल That's how you build society. और मैं अक्सर कहता हूँ सर कि अगर एक वाइस चांसलर का 4 साल टेन्योर अच्छा गुजरा है तो गिव हिम एक्सटेंशन विदाउट एडवर्टाइजमेंट, लेकिन वो कहते हैं अडाई हैज बीन कास्ट, किसको रोए। अब हमारी सर इस वक्त 35 यूनिवर्सिटी हम पंजाब में एडहॉक पे चल रही हैं। अगर मरियम नवाज साहब मेरा ये विलाग हम छोटे लोग हैं सुन रही है तो शी शुड टेक केयर, यू नो सर नेशंस आर बिल्ट एंड डिस्ट्रॉयड इन क्लास रूम्स। ये जो कल जनरेशन अगर ये वेल एजुकेटेड है और ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है आपका तो यू डोंट नीड टू वरी। तो आखिर में सर मैं एक आखिर में कि हमारी जो यंग जनरेशन है इसको क्या एडवाइस करेंगे इन ब्रीफ सर? जनरेशन को मेरे तजर्बे की सिर्फ इतनी एडवाइस है कि अपना गोल सेट कीजिए और उस गोल को ये ना समझिए कि ये मुश्किल है, कीप वर्किंग फॉर इट एंड यू विल अचीव योर टारगेट। नॉट ओनली दैट बट दैट इज गोइंग टू बिल्ड दिस नेशन into a nation, True. जो इस वक्त हम नहीं हैं।
आपको कायदे आजम ने एक मुल्क दे दिया लेके, आपने उसको एक नेशन बनाना है. डिसिप्लिन, यूनिटी और बिलीफ इन योरसेल्फ, फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव इन व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू बिलीव इन. थैंक यू सर, आई अप्रिशिएट सर. थैंक यू सर. कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आई होप माई यूथ, माई यंगर जनरेशन listens to me, because you have a target ahead of you to make Pakistan great.